हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इट्स अकरेंस देन द अरेंजमेंट इज नोन एज टाइम सीरीज। जब पर्टिकुलर कोई भी डेटा है उनको अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हो, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? टाइम सीरीज ग्राफ और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। टाइम सीरीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड, पीरियोडिसिटी एक्सेट्रा इन ए लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज डेटा। इसमें क्या होता है, जो भी आपके जो टाइम सीरीज ग्राफ होता है वो आपके ट्रेंड को समझाता है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके क्या ट्रेंड रहा। ठीक है, द टाइम पीरियड मे बी अ ईयर। जो आपका टाइम पीरियड है वो एक साल भी हो सकता है, क्वार्टर, साल के चार हिस्से कर दिए, 3 मंथ्स जो होते हैं वो क्वार्टर होते हैं। मंथ वाइज भी हो सकता है, वीक वाइज भी हो सकता है, डेज आवर्स के अकॉर्डिंग, मिन सेकेंड्स, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप जो टाइम जो है वो कोई भी आपका एक पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है। तो टाइम सीरीज ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। जो टाइम सीरीज ग्राफ होता है उसको हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। इन अ टाइम सीरीज ग्राफ देर आर टू वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज वेरिएबल अंडर स्टडी, जो आपको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिगर्स ऑफ नेशनल इनकम है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो आपकी नेशनल इनकम है वो किस तरीके से बढ़ी या घटी। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन के बारे में है, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कंट्री के एम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि एक देश में जो है एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ा या घटा। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो टाइम तो होगा ही होगा क्योंकि टाइम सीरीज ग्राफ है ये, है ना। और आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू टाइम पढ़ते हो। ठीक है, तो आपने कहा टाइप्स क्या रहेंगे। टाइप्स, टाइम सीरीज ग्राफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो टाइम सीरीज ग्राफ होता है वो टू टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज वन वेरिएबल ग्राफ एंड सेकेंड इज टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि जो टाइम सीरीज ग्राफ आप बनाने जा रहे हो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉर मेकिंग टाइम सीरीज ग्राफ। फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, प्लॉट टाइम अलोंग ऑन एक्स एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट करेंगे एंड एज इट इज अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो जो हमारी वेरिएबल ऑफ स्टडी है उसको हम वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट स्टेप टू रहेगा हमारे पास, प्लॉट ईच पेयर ऑफ वैल्यू ऑन द ग्राफ। हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ है उसके ऊपर जो भी वैल्यूज हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको प्रेजेंट करेंगे। कैसे, जो भी हमारा कॉरस्पॉन्डेंट, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स एक्सिस पे है, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई एक्सिस, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा होगा, वेरियस पॉइंट्स सो ऑब्टेन आर ज्वाइंट बाई स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे फ्री हैंड नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्ट्रेट लाइन आप उनको ज्वाइंट करेंगे टू गेट द टाइम सीरीज ग्राफ। फिर उससे जो आपके पास डेराइव होके आएगा दैट इज टाइम सीरीज ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है, हमारे पास दिया हुआ है ये फॉलोइंग, एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने जिसमें क्या दिया हुआ, फॉलोइंग टेबल शोज सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री। एक सीमेंट प्रोडक्शन के डेटा है, 2014 से लेके 2019 तक हमारे पास डेटा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन डेटा को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। इसको हमें वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ में इसको प्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए बेटा, हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। हमने ओ एक्स एक्स पे ईयर्स को ले लिया, 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 19। इनमें जो गैप रहेंगे ये सब इक्वल गैप्स रहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट सीमेंट के प्रोडक्शन के डेटा हमें लेने हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या है डेटा। तो हमारे मिनिमम 60 है और हाईएस्ट जो है 110 है। तो हमने क्या किया, 2020 के गैप से, 20 से लेके हमने 120 तक डेटा को ले लिया। हमारा जो सीमेंट का प्रोडक्शन है उसको हम यूनिट्स में मेजर कर लेंगे, सबका हमने एक कॉमन यूनिट को जो है हमने कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट हमने सब डेटा को एक
प्रॉपर ऑर्डर में डिस्टेंस में मेंटेन किया पॉइंट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, टाइटल लिखेंगे टाइम सीरीज ग्राफ शोइंग सीमेंट प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर। जो टाइम सीरीज ग्राफ है क्या शो कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में प्रोडक्शन जो है सीमेंट का वो किस तरीके से हुआ। अब जो हमने ईयर ले रखी है बेटा, उसमें सब में 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रखा है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने सीमेंट का प्रोडक्शन ले रखा है, ये क्या कह रखा है यहाँ पे, थाउजेंड्स में है आपकी यूनिट्स जो है वो थाउजेंड्स में है। तो ये कितना हो गया, 20,000 को प्रेजेंट कर रहा है 20, और ये सब 1-1 सेंटीमीटर के गैप में है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2014 में प्रोडक्शन देखेंगे। हमारा जो 2014 का जो प्रोडक्शन है बेटे, दैट इज 60। तो हमने क्या किया, 2014 को 60 तक लेके जाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करेंगे। आफ्टर दैट 2015 पे अब कितना है, 90। तो हमने 90 पे प्लॉट कर दिया, पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। 2016 में 75, 2017 में 80, 2018 में 95 एंड 2019 में 110, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इसको मैच करेंगे। तो देखो अब आप समझे इस चीज को, सबसे पहले तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ बन रहा है, दूसरा ये ना किसी भी चीज को टच करना इसका जरूरी नहीं होता कि किसी भी एक्सेस को टच करे। ये जो बेस लाइन है उससे टच करता हुआ नहीं होता, एक तरीके से फ्लोटिंग होता है, ये हवा में तैरता हुआ होता है, ठीक है। तो इस क्या करता है, मोस्ट ऑफ किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता, रेयर केस में किसी भी एक एक्सेस को टच कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी नहीं होता कि आप इसको बेस लाइन से टच करें ही करें, ठीक है। तो टाइम सीरीज ग्राफ की इस तरीके से शेप होती है। दिस इज वन वेरिएबल ग्राफ, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एक वेरिएबल लिया गया है जिसको आपने प्रेजेंट करना है। क्या प्रेजेंट किया आपने, टाइम के अकॉर्डिंग सीमेंट के प्रोडक्शन को प्रेजेंट किया। अब एक होती है फॉल्स बेस लाइन, आप लोगों ने देखा होगा जब क्या होता है, आगे के जो आइटम होते हैं उनमें बहुत कम गैप होता है, लेकिन जीरो से लेके जो फर्स्ट आइटम होता है उसमें बहुत ज्यादा गैप होता है। तो आप क्या करते हो, फॉल्स लाइन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइपोथेटिकल फिगर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 टू 2017-18, प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सुटेबल ग्राफ। आपके पास डेटा दिए हुए 2013-14-15-16-17-18, एक्सपोर्ट दिए हुए हैं 600, 640, 670, 780 एंड 900, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन डेटा को आपको अरेंज करना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, आफ्टर दैट 640 दिया हुआ है, फिर 670 दिया हुआ है, फिर आपके पास 780 और फिर 900 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे, तो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि आपने ओ एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को लेना है, तो आपने इक्वल डिस्टेंस से ईयर को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पे आपकी जो लोवेस्ट वैल्यू थी एक्सपोर्ट की वो 600 थी एंड हाईएस्ट कितनी थी, 900 थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको क्या लिया, 500, फिर आपने 600, 700, 800, 900 एंड 1000 ले लिया। अब देखो यहां से जो जीरो से 500 के बीच में ज्यादा गैप है, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स लाइन का यूज किया, ठीक है। तो ये जो फॉल्स लाइन है ये तब प्रेजेंट करनी पड़ती है जब हमारा फर्स्ट डेटा जो होता है उसमें जीरो से और फर्स्ट डेटा में बहुत ज्यादा गैप होता है, और जो नेक्स्ट डेटा जो होते हैं उनमें बहुत कम गैप होता है। नेक्स्ट ये आता है, व्हाई डू वी यूज फॉल्स लाइन बेस लाइन, हम क्यों यूज करते हैं फॉल्स बेस लाइन को। तो द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग फॉल्स बेस लाइन आर, थ्री ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले देखो, वेरिएशंस इन द डेटा आर क्लियरली शोन, जो भी डेटा में जो वेरिएशंस हो रहे हैं उनको आप क्लियरली शो कर सकते हो। आफ्टर दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्राफ इज नॉट वेस्टेड, तो एक बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट नहीं होगा अगर आपने फॉल्स लाइन को यूज कर लिया तो। द ग्राफ प्रोवाइड ए बेटर विजुअल कम्युनिकेशन, अगर आप प्रॉपरली एक फॉल्स लाइन यूज करके ग्राफ को मेंटेन कर रहे हो तो आपका जो ग्राफ जो है वो आपको बेटर विजुअल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनता है बेटे ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल मेजर्ड इन सेम यूनिट, जब आपको क्या करना होता है, एक ही ग्राफ में टू वेरिएबल्स को प्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास मंथ दिए हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून, और उनमें प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन के डेटा है एंड सेल्स के डेटा है। अब आप इनको क्या करना है, आपको एक ही ग्राफ में इन डेटा को प्रेजेंट करना है।
तो देखिए हम क्या करेंगे, मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ फैक्ट्री, आपके पास क्या है, एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन एंड सेल्स के डेटा हैं, मंथली डेटा आपके पास गिवन है, और आपने डेटा को क्या कर रखा है, 000 में 1000 यूनिट्स में ले रखा है, ठीक है, तो शॉर्टकट में उनको प्रेजेंट कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, ओ एक्स एक्स पे टाइम दिखाएंगे एंड ओ वाई एक्स पे आप क्या दिखाएंगे, प्रोडक्शन भी और सेल्स के दोनों फिगर्स दिखाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी दोनों लाइनें आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगी, कोई डॉटेड होगी, कोई ब्रोकन होगी, कोई डार्क होगी, बोल्ड लाइन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स को दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास प्रोडक्शन के डेटा है, प्रोडक्शन में क्या है, आपने किया 5000, फिर 0.7, फिर 5, फिर 10, फिर 12.5 एंड 15, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, प्रोडक्शन एंड सेल्स के डेटा लेने हैं। तो सबसे पहले देखो आप प्रोडक्शन में लोवेस्ट कितना है 5 और सेल्स में कितना है 7.5 एंड हाईएस्ट कितना है 15 एंड 17.5। तो आपने क्या किया, 5 5 के गैप से 20 तक डेटा ले लिए, ठीक है, 5 10 15 एंड 20, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, जनवरी मंथ में जो है आपने ओरिजन पे ले रखा है, अगर आप इसको इधर भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजन को अलग रहने दो, जनवरी यहाँ से ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनवरी आपने यहाँ से ले लिया इसलिए वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले प्रोडक्शन के डेटा लेंगे, जनवरी में प्रोडक्शन कितना हुआ था, 5 यूनिट्स का हुआ था, तो आपने जनवरी पे 5 ले लिया। आफ्टर दैट फरवरी, फरवरी में कितना हुआ था 7.5 का, तो 7.5 कहाँ रहेगा, 5 एंड 10 के लगभग बीच में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया, आफ्टर दैट क्या करेंगे, फिर 5 हो गया मार्च मंथ में, फिर 5 आ गया, फिर अप्रैल में आपका 10 है, मई में आपका 12.5 है। इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोडक्शन के डेटा को प्रेजेंट किया टाइम के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट आप सेल्स के डेटा को देखेंगे, तो सेल्स देखो हर पॉइंट पे ज्यादा है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन 5 यूनिट्स का हुआ लेकिन सेल्स कितनी हुई, 7.5 की। आफ्टर दैट फरवरी में प्रोडक्शन हुआ 7.5 का जबकि सेल्स कितनी हुई, 10। इस तरीके से हर स्टेप पे देखो सेल्स के डेटा जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब जो आपकी टाइम सीरीज ग्राफ जो सेल्स का आएगा वो प्रोडक्शन वाले ग्राफ से ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जनवरी में 7.5 है, फरवरी में 10, फिर आफ्टर दैट मार्च में 7.5 है, फिर अप्रैल मई और जून, ठीक है, अपने डेटा को प्रेजेंट किया, डॉट्स बनाए और उन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से फिर आप आफ्टर दैट इसको हाईलाइट कर देंगे कि सेल्स वाली जो ग्राफ है, जो लाइन है, एक तरीके से आप उसको दिखा देंगे कि वो इस तरीके से प्रेजेंट किया हमने और प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया, बोल्ड लाइन है, डॉटेड लाइन है, ब्रोकन लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में टू वेरिएबल्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा हमने देखा कि जो टाइम सीरीज ग्राफ है वो दो तरीके से होता है, एक वन वेरिएबल ग्राफ और एक टू वेरिएबल ग्राफ। अब फ्रॉम द स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज मच मोर एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हमने डायग्राम भी देखे, बार डायग्राम देखा, पाई डायग्राम देखा, और अब हमने ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी देखी। तो ये कहा गया है स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से, अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो। सो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जो हमारी ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो फर्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है वो अट्रैक्टिव होती है और रीडर को इम्प्रेस करती है। ग्राफ्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव देन टेबल ऑफ फिगर्स। जो आप टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हो उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होती है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अ फैक्ट दैट एन ऑर्डिनरी मैन कांट अंडरस्टैंड ईजिली कैन बी अंडरस्टूड बाई ग्राफ। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको साधारण आदमी समझ नहीं सकते, लेकिन ग्राफ से उन फैक्ट्स को समझना बहुत ईजी हो जाता है। देयरफोर इट इज सैड अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। ये कहा गया है कि एक पिक्चर जो है वो हजारों शब्दों से भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि पिक्चर जो है वो बहुत कुछ कह देती है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा गया है कि ग्राफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होते हैं। नेक्स्ट है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है ये सिंपल होती है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ग्राफ्स हेल्प टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। ग्राफ हेल्प करते हैं डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते हैं और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि जो ऑब्जर्वर है वो अच्छे तरीके से इनको समझ सके। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ बोथ द स्टेटिशियन एज वेल एज ऑब्जर्वर। ये क्या करती है, जो ऑब्जर्वर है और जो स्टेटिशियन है उन दोनों का टाइम और एनर्जी को सेव करती है। इसलिए ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल होती है और अंडरस्टैंडेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल इन कंपैरिजन। ग्राफ्स प्रोवाइड्स इजी कंपैरिजन ऑफ टू एंड मोर फिनोमिनाज। जब आप कोई भी टू वेरिएबल्स हैं, टू फिनोमिनाज हैं, फैक्ट्स हैं, अगर आप उनको कंपैरिजन करना चाहते हो तो ग्राफ जो है वो ज़्यादा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उन वेरिएबल्स को इजीली कंपेयर कर सकें। जैसे अभी आपने पढ़ा टू वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में आपने सेल और प्रोडक्शन को पढ़ा, तो आप इस ग्राफ को देख के आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमारी सेल्स है अकॉर्डिंग टू मंथ ज़्यादा रही प्रोडक्शन से। इस तरीके से हम जो है ग्राफ से कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज। आप लोगों को बताया गया था पोजिशनल एवरेज में आता है मीन, मॉड, मीडियन, क्वार्टाइल, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो जो ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है इनसे हम पोजिशनल एवरेज को भी लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक कहा गया था कि जो हिस्टोग्राम जो होता है, जिसकी हाइएस्ट लेंथ होती है जिस हिस्टोग्राम की, उसके नेक्स्ट और इधर की साइड, लेफ्ट और राइट साइड में जो हिस्टोग्राम होते हैं उनको कट करते हुए जब हाईएस्ट हिस्टोग्राम पे कट लगाया जाता है, जहां पे वो कट इंटरसेक्ट होता है वहां पे अगर उस पॉइंट को ओ एक्स एक्स तक ले जाया जाएगा तो दैट इज द वैल्यू ऑफ मोड। आफ्टर दैट आप लोगों को ये बताया गया था कि जब आप लेस देन एंड मोर देन ओग्यू बनाते हो, जहां पे लेस देन और मोर देन ओग्यू इंटरसेक्ट करते हैं और उस लाइन को आप ओ एक्स एक्स तक लेके जाओगे तो वो वैल्यू होगी आपकी मीडियन की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने क्या कहा, ग्राफ जो होते हैं वो आपको पोजिशनल एवरेज की लोकेशन के बारे में भी बताते हैं। देन ग्राफ्स प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ लोकेटिंग सर्टेन पोजिशनल एवरेज लाइक मीडियन, मोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज। नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज में देर इज नो मच टेक्निकल इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ एज दे आर वेरी सिंपल एंड इजिली कंपेरिहेंसिव। इवन ए ले मैन हु हैज नो मैथमेटिकल नॉलेज कैन इजिली ग्रैप इट। क्या होता है, जो भी ग्राफ होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन को मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की नॉलेज अगर ना भी हो तो भी एक बंदा ग्राफ को समझ सकता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होते हैं, ईजी होते हैं, ठीक है, और उनको कंपेरिहेंसिव फॉर्म में दिखाया जाता है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आफ्टर दैट आपका पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि आप ग्राफ जो है, ग्राफ की हेल्प से आप नियर फ्यूचर में कोई भी एक इकोनॉमिक प्रिडिक्शन कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो पर्टिकुलर किसी भी एक थिंग को लेके, किसी एक स्टडी को लेके। फॉर एग्जांपल अब जो हम देखते हैं कि कोरोना के जो पेशेंट हैं वो हर दिन बढ़ रहे हैं, तो जो ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट से राइट चल रहा है। ठीक है, अगर ये फ्लैट हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में संक्रमण रुक जाएगा, लेकिन जो ये फ्लैट है ये क्या हो रहा है, जो आपका कर्व जो है वो क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब आने वाले टाइम में कोरोना के जो संक्रमित पेशेंट हैं वो ज़्यादा होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में।
सो थ्रो ग्राफ्स टेंडेंसी दैट कुड अकर इन नियर फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड इन अ बेटर वे. ग्राफ की हेल्प से आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर सकते हो कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर स्टडी को लेके क्या होने वाला है. नाउ फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राफ. ग्राफ जो है उसकी क्या फंक्शन है, फिर क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला है टू मेक कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल. विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे ऑब्जर्वर जो है, रीडर जो है, उनको देखते के साथ उन डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को समझ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक कंपेरिजन ईजिली. ग्राफ की हेल्प से जो कंपेरिजन करना होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू फैक्ट्स, वो ज़्यादा ईजी होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से. नेक्स्ट है टू चेक एक्यूरेसी. हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से अपने डेटा की एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज टू मेक मोर पेनेट्रेटिंग एनालिसिस. ऐसे कहते हैं कि जो ग्राफ है उससे हम जो एक तरीके से विश्लेषण करते हैं डेटा को, बिल्कुल उनका कंक्लूजन निकालते हैं, वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन से ज़्यादा बेस्ट हम उनको कंक्लूजन उनका निकाल सकते हैं. तो हमारी जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो होती है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे. एज यू नो वेरी वेल, हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, लेकिन फिर आज थोड़ा सा इसको और डीपली लेके चलेंगे. एज यू नो वेरी वेल, ग्राफ्स आर जर्नली ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिकली डिजाइन पेपर नोन एज ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर हैज ए फाइन नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स डिवाइडिंग एवरी इंच एंड सेंटीमीटर इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. आपने देखा होगा ग्राफ का जो पेपर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स होती हैं. ठीक है, ग्राफ में जो लाइन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती है. दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ. देखो सबसे पहला स्टेप होता है, इन फर्स्ट स्टेप ड्रॉ टू सिंपल लाइन्स. हम क्या करेंगे, टू सिंपल लाइन्स को ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, राइट एंगल पे, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. These lines are called axes. ये जो लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ओ एक्स एक्स. ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं ओ वाई एक्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ओ एक्स एक्स, एक्स एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई. नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजन. ये जहां पे कट करती है एक दूसरे को, ये क्या होता है, ओरिजन होता है. देखो इसमें क्या है बेटे, जो आपका ग्राफ होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ठीक है, और जितने भी हमारे ग्राफ होते हैं मोस्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनते हैं. ठीक है, आपके ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं. देखो अगर हम इधर की साइड चलेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी लेकिन y पॉजिटिव ही रहेगी. नेक्स्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी जब y की, जबकि y की नेगेटिव रहेगी. हमने डेविएशन बार डायग्राम में देखा था कि जो हमारा कुछ ग्राफ ऐसे थे जिनकी नेगेटिव वैल्यू थी, इस वजह से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे थे ज्यादा. जो आपकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमेशा मोस्ट ऑफ यही होता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सीखते हो. ठीक है, तो आपने कहा ओरिजन, ये हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगी. ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई की कहीं पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, कहीं पे नेगेटिव वैल्यू होती है. जो डायग्राम्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनते हैं. अब एक बात आपको और बताई गई थी, जो एक्स एक्सिस होता है उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. एक्स एक्सिस पे इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, आपका जो स्केल है, जो आपकी जो एक्सिस हैं, इनका जो स्केल है वो प्रॉपर होना चाहिए, और आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे, जो भी एक्स एक्सिस की वैल्यू है और वाई एक्सिस की वैल्यू है, उनकी हेल्प से आप पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, आफ्टर दैट उनको विद द हेल्प ऑफ स्केल आप उनको मैच करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ बनाते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है जर्नल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ। जब आप डायग्राम या फिर ग्राफ बनाते हो तो क्या क्या जर्नल रूल्स हैं? सबसे पहले है प्रॉपर साइज। डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट सूट द साइज ऑफ द पेपर। इट शुड बी नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। जो आपका डायग्राम है या फिर जो ग्राफ है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग, डायग्राम और ग्राफ जो है मस्ट बी अ प्रॉपर हेडिंग। अ हेडिंग मस्ट बी सिंपल, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव। जो आपकी हेडिंग है वो छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, और आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है, जो आपने ग्राफ में या डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाली हेडिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे क्या रखा है, टू मेक द डायग्राम लुक अट्रैक्टिव एंड सिंपल यू मस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वर्ड्स को और फिगर्स को कम से कम यूज करें जब आप ग्राफ या फिर डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर स्केल। बिफोर मेकिंग अ डायग्राम ग्राफ इट्स स्केल शुड बी प्रॉपरली डिटरमाइंड एंड इंडिकेटेड। ठीक है, आपका जो ग्राफ है या फिर डायग्राम है उसका जो स्केल जो है वो पूरा डिटरमाइन होना चाहिए आपके माइंड में, उसके लेके पूरी पिक्चर होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से जो है लेंथ हाइट लेनी है अपने डायग्राम की। आफ्टर दैट यूज ऑफ साइंस एंड कलर्स। आप क्या करते हैं, साइन और कलर का यूज करते हो, तो डायग्राम और ग्राफ मस्ट कैरी सम साइंस ऑन द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलर्स मे बी यूज टू इंडिकेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ डायग्राम। दी साइंस एंड कलर्स मस्ट बी क्लैरिफाइड। जो आप जिन भी साइंस का यूज कर रहे हो, जो भी कलर्स का यूज कर रहे हो, वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उनको आप ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए आप इन सब का यूज करते हो। तो आपके जो कलर्स हैं, जो साइंस है, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट होने चाहिए ताकि रीडर जो है वो अच्छे तरीके से उनको समझ सके। नेक्स्ट कहा गया है लेस यूज ऑफ वर्ड्स। आपको कोशिश करनी चाहिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन जब आप करते हो तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स का यूज करें और फिगर्स का यूज करें। नेक्स्ट कहा गया है ड्रॉइंग द बॉर्डर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे या फिर ग्राफ बनाएंगे वो पूरा एक बॉर्डर में अरेंज होना चाहिए। डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी बॉर्डर्ड विद बोल्ड लाइन। ठीक है, टू मेक देम अट्रैक्टिव। इससे क्या होगा, आपका डायग्राम या फिर ग्राफ जो है वो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट है सिंपल। सिंप्लिसिटी इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। दिस शुड नॉट लुक टू बी कॉम्प्लेक्स एंड ऑफेंडिंग। ठीक है, तो आपका जो डायग्राम जो है या फिर ग्राफ जो है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर उसका कोई यूज है ही नहीं। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम ग्राफ शुड बी फॉलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका जो डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, आप लेफ्ट से लेके चलते हो, राइट तक चलता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम से टॉप पे चलता है। द स्टेटमेंट ऑफ डेटा। डेटा विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ शुड बी क्लियरली स्टेटेड। जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे, जिन डेटाज के बेस पे आप अपने उनको डायग्राम या ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हो, वो डेटा की आपके पास कंप्लीटली एंड क्लियरली स्टेटमेंट होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। डायग्राम और जो ग्राफ है वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए जिन तक हमें इंफॉर्मेशन को भेजना है। एट लास्ट देर इज लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन।
जब हम डेटा को डायग्राम या ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो इस प्रेजेंटेशन की कुछ कमियां हैं। सबसे पहले है लिमिटेड यूज। ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ डायग्राम। इनफैक्ट डायग्राम एंड ग्राफ आर जनरली यूज्ड ओनली व्हेन कंपैरिजन आर इन्वॉल्व और व्हेन टाइम सीरीज डेटा आर टू बी प्रेजेंटेड। जब टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा दिए होते हैं तो ही आप क्या कर सकते हो, इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। तो जो आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है उसका लिमिटेड यूज होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है मिस यूज। डायग्राम मे बी मिस यूज फॉर फॉल्स प्रोजेक्शंस ऑफ द स्टैटिकल फैक्ट्स स्पेशली इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। डायग्राम्स का बहुत सारा मिस यूज होता है। जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है तब ज़्यादा यूज होता है डायग्राम्स एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन का, और वो कहीं ना कहीं मिस यूज ज़्यादा किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। आप क्या कर सकते हो, जो आपके ग्राफिक प्रेजेंटेशन है या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उससे आप सिर्फ प्रिलिमिनरी कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या होता है, ये इसकी कमी है कि ये फाइनल कंक्लूजन तक आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, आपको फाइनल कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड कर सकती कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो जो आपकी डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन थी ये इसकी कमियां थी। तो आपके आज का चैप्टर था टाइम सीरीज ग्राफ।